हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं क्रिकेट समाचार। बात करें पहले न्यूज़ की तो चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रन से हराकर मैच अपने नाम किया। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जिसके जवाब में सीएसके ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 188 रन बनाए। सीएसके की तरफ से ऋतुराज ने 10 रन, डुप्लेसी ने 33 रन, मोइन अली ने 26 रन, रैना ने 18 रन, राइडू ने 27 रन, रविंद्र जडेजा ने 8 रन, धोनी ने 18 रन, सैम करन ने 13 रन, डीजे ब्रावो ने 20 रन, शार्दुल ठाकुर ने 1 रन बनाए। बात करें राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग की तो चेतन सक्रिया को 3 विकेट, क्रिस मॉरिस को 2 विकेट, मुस्तफिजूर को और राहुल तेवतिया को 1-1 विकेट मिला। वहीं बात करें राजस्थान की बैटिंग की तो राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर मात्र 143 रन ही बना पाई और मैच 45 रन से हार गई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जॉर्ज बटलर ने 49 रन, मनन वोरा ने 14 रन, सैमसन ने 1 रन, शिवम दुबे ने 17 रन, मिलर ने 2 रन, रियान पराग ने 3 रन, राहुल तेवतिया ने 20 रन, क्रिस मॉरिस ने 0 रन और उनाटकट ने 24 रन बनाए। वहीं बात करें सीएसके की बॉलिंग की तो मोइन अली को 3 विकेट, सैम करन और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट और शार्दुल ठाकुर और डीजे ब्रावो को 1-1 विकेट मिला। मोइन अली को 26 रन बनाने के लिए और 3 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। वहीं बात करें आज के मुकाबले की तो आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से है। बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की तो नेपाल ने मलेशिया को 9 विकेट से हराकर मैच अपने नाम किया। नेपाल ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। मलेशिया ने 16.5 ओवर में 10 विकेट खोकर केवल 100 रन ही बना पाई, जिसके जवाब में नेपाल ने मैच 12.1 ओवर में 1 विकेट खोकर अपने नाम किया। बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की तो श्रीलंका के फॉर्मर ऑलराउंडर दिलहरा को आईसीसी ने 8 साल का बैन लगाया है। अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।